नमस्कार जी, न्यूज़ पॉइंट लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिंसी कोल। तो जितने भी हमारे दर्शक हैं आप भी जानते हैं, जब शुरुआत करती हूं हर रोज़ की तो राष्ट्रीय राजमार्ग की एडवाइजरी से ही करती हूं, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग की एडवाइजरी सब तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है कि गाड़ियों की आवाजाही को लेकर जो भी इन्फॉर्मेशन आती है ट्रैफिक विभाग की तरफ से वो आप तक पहुँचाती हूँ। और लाइट मोटर व्हीकल, हैवी मोटर व्हीकल, तमाम जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनकी आवाजाही किस तरीके से रहेगी, इस पूरी इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुंचाना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। खास तौर पर वो लोग जिनके अगर हम बात करें जो हैवी मोटर व्हीकल चलाते हैं या गाड़ियों के कारोबार से जुड़े हैं, कारोबार यानी बेचने वाला नहीं, जो टूरिस्ट को घुमाते हैं, जम्मू से कश्मीर की ओर ले जाते हैं या कश्मीर से जम्मू की ओर लेते हैं या जम्मू कश्मीर से बाहर की ओर जाते हैं, तो आपको बता दें कि आज लाइट मोटर व्हीकल्स की जो मूवमेंट है वो दोनों साइड की रहने वाली है। यानी लाइट मोटर व्हीकल्स जो है जम्मू से श्रीनगर की ओर और श्रीनगर से जम्मू की ओर साफ तौर पर अपनी मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो हैवी मोटर व्हीकल और लोड कैरियर्स हैं उन्हें ये कहा गया है कि जो जखेनी उधमपुर के पास खड़े हैं उन्हें ही सिर्फ और सिर्फ इजाज़त होगी मूवमेंट करने की टूअर्स श्रीनगर की ओर। तो इसका खासा ख्याल आप रखें। और साथ ही साथ मुगल रोड के सूरत हाल ये बताए गए हैं कि मुगल रोड में जो लाइट मोटर व्हीकल्स हैं वो बोथ में मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो हैवी मोटर व्हीकल्स जिनके 12 पहिए हैं उन्हें ही इजाज़त होगी मुगल रोड पर मूवमेंट करने की। श्रीनगर सोनमर्ग घुमरी रोड की बात करते हैं तो बोथ वे ट्रैफिक जो है वो अलाउ किया गया है फ्रॉम करगिल टूवर्ड्स श्रीनगर एंड वाइस वर्सा ऑन श्रीनगर सोनमर्ग घुमरी रोड। अब किश्तवाड़ सिंदन रोड के सूरत हाल बता देते हैं, तो किश्तवाड़ सिंदन रोड के सूरत हाल ये कह रहे हैं कि जो बोथ वे ट्रैफिक है ये सिर्फ और सिर्फ लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए रखा गया है। और अभी भी धार रोड की इन्फॉर्मेशन अगर मैं आप तक पहुंचा दूं तो जिन हैवी मोटर व्हीकल्स के 6 पहिए हैं और 10 पहिए हैं उन्हें ही सिर्फ और सिर्फ इजाज़त है कि वे धार रोड से मूवमेंट साफ तौर पर कर सकते हैं। तो वो इन तमाम दर्शक से तो इतने छुपाए कि कर्शल लैंग्वेज मस्त बुचस तो नेशनल हाईवे हूँ अपडेट दीवान तो वन में छुपान असर लगा निम साथ कर्शल लैंग्वेज मंस यूजन कहाँ अपडेट छिवान कैस की वन यम साथ कहाँ अपडेट हजब दीवान तत्मन छी जरूर कम के वन कोस्टल लैंग्वेजेस मस्त बनी हो तो बोलो तो एक ही आज जिन लाइट मोटर व्हीकल छो ती हुंद मूवमेंट बाबत अगर इन्फॉर्मेशन बनो तो लाइट मोटर व्हीकल हुंद यानी दोनवनी साइड हुंद मूवमेंट छो आज जल्ले यानी जोमपेट कशीर छो अगर तो एक असुनिया कशीर पर जोम छो तो लाइट मोटर है कन दोनवनी साइड हुंद मूवमेंट करन, मगर अगर हैवी मोटर व्हीकल तो लोड कैरियर हुन बाबत इन्फॉर्मेशन तो वनो बुतई इम जन तमाम हैवी मोटर व्हीकल या लोड कैरियर छ इम जन खड़ा छ जखेनी उधमपुर निश्त तिमन ही छ इजाज़त खली मूवमेंट करना टूवर्ड्स श्रीनगर। तो पूर्ण रूप से जो भी जानकारी है वो आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी हो जाता है और नेशनल हाईवे की एडवाइजरी जो है हर दिन बदलती हुई नज़र आती है। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि 15 तारीख को जो है श्रीनगर सोनमर्ग घुमारी रोड पूर्ण रूप से बंद रखा जाएगा, क्योंकि कारण ये बताया जा रहे हैं कि जहाँ पे मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का काम जो है जोजिला एक्सेस का चल रहा है, इसके चलते हुए 15 तारीख को जो है श्रीनगर सोनमर्ग घुमारी रोड जो है बंद रखा जाएगा। इसके साथ साथ बहुत से व्यूअर्स जो है हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर रहे हैं, आपको पता है कि आपके कमेंट भी ज़रूर पढ़ते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में क्या लिखते हैं। तो वहीं पे साहिल बाबू लिख रहे हैं यू आर अ ग्रेट जर्नलिस्ट, थैंक यू वेरी मच साहिल बाबू जी। और बासित हमीद लिख रहे हैं नाइस, और बहुत से दर्शक जो है कमेंट भी कर रहे हैं। और मोहुद्दीन लोन लिख रहे हैं बहुत अच्छा मैम, थैंक यू वेरी मच मोहुद्दीन लोन जी। और दार रोड की रिस्ट्रिक्शन जैसे मैंने आपको बताई है कि विंत इमजन हैवी मोटर व्हीकल्स यमन छ गाड़ी हन खली छ टायर न टायर तिमन ही इजाज़त खली मूवमेंट करने टूवर्ड्स दार रोड बाबत। तो ये जन इन्फॉर्मेशन छु पूर नेशनल हाईवे हूँ ये छु प्रति दो चेंज गसान, खास तौर पर अगर वो बनो तो यम जन हैवी मोटर व्हीकल या लोड कैरियर यमन जन मूवमेंट छ रोजान यम छ अगदो थावान मूवमेंट टूवर्ड्स जोम तो ब्याग दो छम थावान मूवमेंट टूवर्ड्स श्रीनगर। तो खास ख्याल थो एम सुन तो भाई एडवाइजरी बाबत ही गई पकुन बुझे सार ने ये बना कि यम साथ नेशनल हाईवे हुंद एडवाइजरी जारी करने इवान तो एडवाइजरी हुंद पूर इन्फॉर्मेशन एडवाइजरी क्या छ वन इवान मुगल रोड बाबत आस्तिन या धार रोड बाबत आस्तिन या दोनवनी साइड हुंद यूजन वत छु क्या यू छा यल कि नहीं छा बंद था उन आमुत तो यूजन पूर इन्फॉर्मेशन छु गई पूर पेट ऐसे पता आसुन तिम बाबत ही गई ऐसे यूजन मूवमेंट छ ये नेशनल हाईवे पेट कारण ते ते आरिफ अहमद जी लिख रहे हैं हेलो हेलो आरिफ जी। नसीर बेग लिख रहे हैं नाइस मैम।
और बहुत सारे दर्शक यम साथ तो इच्छा जुड़े में से लाइव इवन या बुझस कहाँ तो अपडेट तो इतन शेयर करान तो मैं छुपान से लगान कि क्या इसके मंज आख ना आख कमेंट है जरूर इवन कि वन कोशर लैंग्वेजेस मज तो वन ओट पोट कोशर छु मैं छुपान पाए पूर छुन कोशर के मगर कोशिश छ वनते जरी भई वनान छना अगर तो इच्छू पोस्टपेट यसान कहा लैंग्वेज है शुन पूर पेट तो बुझस ये वनान कि तत्मज जो आप पनूनी मस्त सारे जैसे यही बनान कि पनून लैंग्वेज हूँ इस्तेमाल करी ज़्यादा को ज़्यादा तो भाई कौशल लैंग्वेज गई सारनी है शुभ तो वहीं पे फारूक अहमद जी लिख रहे हैं गुड राहुल केसर लिख रहे हैं गुड एफिकेट लिख रहे हैं हाय हाय आपको मेरी तरफ से। तो लाइट मोटर व्हीकल्स आज दोनों साइड से मूवमेंट आराम साफ तौर पर कर सकते हैं बिना किसी रोक टाक के, लेकिन हैवी मोटर व्हीकल सिर्फ जखेनी उधमपुर के पास जो खड़े हैं उन्हें ही इजाज़त दी जाएगी मूवमेंट, यानी उन्हें ही छोड़ा जाएगा टूवर्ड्स श्रीनगर की ओर। उसके अलावा यमजन तमाम हैवी मोटर व्हीकल या लोड कैरियर तुम्द रिस्ट्रिक्शन आज पूर पैट बंद करने आमद। तो वहीं पर मुरसाल लिख रहे हैं इट इज़ गुड टू आपका कमेंट जो है वो पढ़ना पड़ेगा, इट इज़ गुड ज़रूर पढ़ते हैं। और कश्मीरी लैंग्वेज के बारे में लिख रहे हैं और साहिल बाबू लिख रहे हैं मैम आप बहुत अच्छी कश्मीरी करते हो लाजवाब, थैंक यू वेरी मच। मगर साहिल बाबू जो मैं बनो तो एक ही पूर छुन इतने तगान के और फोटी छुम तगान, मगर मुझे सी बनने पानस मज में ये छु आख डिसीजन हतमत की पूर यूजन कोशर जुबान छ सही ये छु मैं पूर पेट है सुन तो अगर तुहन यूजन प्या यूता माए या मोहब्बत छु तो एक कौशल लैंग्वेज दीवानी अप्रिशिएट छु तो करान तो बो वनो ये तुहद ही बाबत की आज जो जन ओड फोट या थोड़ा बहुत मैं कोशिश तगान ये तभी बाबत तगान तो बच्चे सारे ये वनान कि हम साथ तो ये राष्ट्र राजमार्ग हूँ रुक चु करान सेफली करी ड्राइव तो यम तो तमाम प्रोटोकॉल छ आसान गाड़ी हिंद या सीट बेल्ट बाबत या ड्रिंक गैस ने करें यम साथ तो इच्छू ड्राइव करान तो यम तमाम चीज़न हूँ तैस ख्याल थावन तो यम जन लकड़ बच आज एक नव जनरेशन छमिस तैस पूरे पता आसुन कि यूजन सोन कौशर जुबान छू क्यूता पर असल जुबान डिफिकल्ट तो छु मगर सारने छु टोट तक ये वारा टोट करान या असल लगान। तो वहीं पे इरशाद जी लिख रहे हैं हेलो हेलो इरशाद जी आपको मेरी तरफ से, मुरसाल लिख रहे हैं आदाब आपको भी आदाब मेरी तरफ से, सोफी लिख रहे हैं नाइस, अहमद लिख रहे हैं गुड, अहमद मजीद लिख रहे हैं गुड। तो बिल्कुल पूरी एडवाइजरी जो है मैंने आप तक पहुँचा दी है और 15 तारीख को श्रीनगर सोनमर्ग घुमरी रोड जो है पूर्ण रूप से बंद रहेगा। तो आप सभी को बोल दूं कि 15 तारीख को अगर आप प्लान कर रहे हैं श्रीनगर सोनमर्ग घुमाई रोड की ओर जाने की ओर तो जोजिला एक्सेस के चलते हुए वहाँ पे कोई भी मूवमेंट जो है वह नहीं रहेगी। तो बहुत ज़रूरी है कि जहाँ लाइट मोटर व्हीकल्स की मूवमेंट दोनों तरफ की है, हैवी मोटर व्हीकल जो उधमपुर के पास खड़े हैं उन्हें ही श्रीनगर की इजाज़त दी जाएगी। मुगल रोड में लाइट मोटर व्हीकल दोनों साइड अनुमति रहेगी, हैवी मोटर व्हीकल जिनके 12 पहिए हैं उन्हें ही इजाज़त रहेगी। और श्रीनगर सिनवर रोड पे जो है बोथ वे ट्रैफिक अलो है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। किश्तवाड़ सिंधर रोड पे ये कहा गया है कि बोथ वे ट्रैफिक जो है सिर्फ और सिर्फ लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए है। तो उमर एजाज जो है वो बहुत बड़े लिख रहे हैं यूर गुड नेम प्लीज़, तो बिल्कुल उमर जी नो नाउ छ प्रिंसी कोल। तो अगर आपको नहीं पता तो चलिए मैंने आपके बारे में आपको बोल दिया क्योंकि आप बहुत बार रिपीट कमेंट में लिख रहे हैं कि आपका नाम प्लीज़ आपका नाम प्लीज़, तो मैंने बता दिया। और तन्हा फारूक भी लिख रहे हैं गुड न्यूज़, तो मुझे साथ ही ये बनान कि नेशनल हाईवे हूँ रुक करी ज़रूर मगर पूर पे टीम साथ एडवाइजरी हूँ तो नॉलेज आइस कैस की वारे यमजन गाइड छ आसन तिम छ रुकी गसन नेशनल हाईवे पर बट ट्रैफिक विभाग कत करो तिमन तो वारी डिफिकल्टीज इवान तो यमजन लुक छ तक मूवमेंट करान तिमन तो वारी डिफिकल्टीज इवान। तो मैं सबको यही बोलूँगी कि पूरी एडवाइजरी की जानकारी के मुताबिक ही जो है राष्ट्र राजमार्ग की मूवमेंट जो है पूर्ण रूप से करिए ताकि आपको भी कोई डिफिकल्टीज देखने को ना मिले। और जो आपके साथ पैसेंजर है या कोई भी अगर आपके रिलेटिव बाहर जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं उन तक भी इस एडवाइजरी का पहुंचना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो जो भी एडवाइजरी थी मैंने आपको पूरी एडवाइजरी जो है पूर्ण रूप से बता दी है कि किस तरीके से क्या कुछ एडवाइजरी में लिखा गया है, तो उसका उसके मुताबिक ही अगर आप चलेंगे। और खासा ये ख्याल रखें कि जो भी ड्राइविंग करते हुए सीट बेल्ट का पहनना और ड्रिंक जो है नहीं करना,
तमाम चीज़ें जो है रूल्स का फॉलो करना, ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन ना करना, इनका भी खासा ख्याल जो है वो रखना चाहिए। क्योंकि ट्रैफिक जब भी नेशनल हाईवे पे कहीं ना कहीं जाम हो जाता है तो बहुत ही दिक्कतें होती है, ख़ासतौर पर जब एम्बुलेंसेज भी बहुत सारी फंसती हुई नज़र आती है, तो एम्बुलेंसेज को भी रास्ता जो है वो दे देना चाहिए ताकि वो समय रहते जो है अस्पताल तक पहुँच सके। तो वहीं पर शोकत जी लिख रहे हैं गुड न्यूज़, तो बिल्कुल इसमें गुड न्यूज़ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये है कि जो पूरी इन्फॉर्मेशन है एडवाइजरी की वो आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। वहीं से नगमा लिख रहे हैं मैम कश्मीरी कहाँ से सीखी। देखिए मैं खुद जम्मू कश्मीर से ताल्लुकात रखती हूँ और कश्मीरी मुझे ना आए ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन पूरी कश्मीरी नहीं आती है मुझे, तो ये बनान की विंत चुम्बे ओढ़ फोट कोशुर रे तगान कोशिश छ कि पूर यूसन कोशुर छुसोन सुबान चुम्बे पूर हैशुन तो अक दो यूसन म्योन पूरा अपडेट आई सी आई बिगिनिंग टिल एंड पूरे क्वेश्चन मंथ्स। तो वहीं पे बहुत सारे आली मजाज लिख रहे हैं हम दो दिन से फंसे हुए हैं जाम में, तो बिल्कुल एडवाइजरी के मुताबिक ही इसलिए मैं कहती हूँ कि आपको मूवमेंट करना चाहिए ताकि आपको कोई दिक्कतें ना आए। और धार रोड से जो लोग आ रहे हैं अभी भी जो हैवी मोटर व्हीकल जिनके 6 पहिए हैं और 10 पहिए हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही इजाज़त है धार रोड से मूवमेंट करने की। तो फिलहाल यमते से तमाम दर्शक छो वो बनो तो कि जगह न्यूज़ पॉइंट लाइव होनी चाहिए, कोशिश आसान कि सर खुद गोड्यूजन इन्फॉर्मेशन छुई गई स्वेतन वातून। तो वहीं पर जानू नायक लिख रहे हैं कोशुर वारिया असल छक करण, थैंक यू वेरी मच। तो वहीं पे पूरी एडवाइजरी मैंने आपको बता दी है क्या क्या एडवाइजरी में लिखा हुआ है। और इकबाल लिख रहे हैं ज़रा कश्मीरी करो थोड़ी सी, तो बिल्कुल इकबाल जी कोशल लैंग्वेजेस से मंच जस्ब तो ही अपडेट दीवान मुझे पता कि वारिया यूजन माए तो मोहब्बत जो मैं कशीर पेट मेलन या जो मस्त मस्त तमाम यूजन लुक छ रोजन तिम ते छ वारिया पसंद करान मोन कोशुर तो कोशिश छुन ते जोरी की पूर कोशुर छु हेशुन तो बुझस तो सार नहीं ये बनान की तो तुहुन यूजन कमेंट छ इत गई कमेंट बॉक्सेस मंस कोशुर लैंग्वेजेस मंस ही आसिन तो सारे जज्ब बनन की कोशिश गई सहशुन यूम जन तमाम नव जनरेशन छ लकट बच्चे बुजुर्गन बुजुर्गन निश गई बिहून तो तिमन निश गई पूरा यूजन सोन लैंग्वेज सोन कल्चर या तमाम यूम जन चीज छ गई इस पूरे इन्फॉर्मेशन आसुन एम बाबत। तो आज यूजन मूवमेंट छ तो करियो असल पेट लाइट मोटर व्हीकल हैकन दोनोनी साइड हन गसित वहीं पे बट जिहान लिख रहे हैं दीदी ठीक हो तो बिल्कुल मैं ठीक हूँ भाई आप बताइए आप कैसे हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, अब समय हो चुका है अलविदा लेने का। अब इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात करेंगे किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।